हरिओं यमारम्भकर्माय शुभं भवतु मंगलं भवतु। ओं नमो भगवते श्रीपुरुषोत्तमाय। ओं नमो भगवते श्रीवासुदेवाय। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुप्रिय जेमा तंग नमामि हरिप्रिये तंग नमामि हरिप्रिये। गोपर आह्लादिनी शक्ति प्रकृतिमती आर्यावर्तर माँ मानंक भितरे आराध्या देवी प्रतिमा अपूर्व टांगणरे ब्रह्मा गढ़ीथिबा से विहीर अपूर्व लावण्यमय रूप माँ राधिकांकर चरणार बिंद तले शतकोटि प्रणाम ज्ञापन पूर्वक। रसराज रसिकेन्द्र मौली भगवान श्रीकृष्णंकर चरणार बिंद तले अनंतकोटि दंडवत पूर्वक आजिर ए जो प्रभात ये एक विशेष प्रभात। ये प्रभातर ना होची अँला नवमी आउ उत्कलीय परंपरा रे वर्षाणां भारत श्रेष्ठ देशानां उत्कल स्रोत उत्कलस्य समादेश देश नास्ति महीतले। ये उत्कलीय परंपरा पुरुषोत्तम क्षेत्राधिप जगतर नाथ जगन्नाथंकर लीलाभूमि। ये उत्कलीयर परिभाषा रे ये होची राधा पाद दर्शनर दिन। गोपर से आह्लादिनी शक्ति होची राधा। किए से राधा केमितिका राधा कहीं ये दिवस आज एडे बड़ मान्यता नहींचि हुए तो पुराण पृष्ठार कथा को श्रवण करूला बेले प्रकृतिमती आर्यावर्तर जीक माँ मैंने श्रवण करुंट समस्ते कहे राधा किए ना ये राधा होची शाशु जटिला नणद कुटिला आ गोपनारी मानकर भर्सना शुणी शाशुघरे बसवास करुवा गोपर कूलबधुटीए ना हूँ राधा। हुए तो दिने यही राधा डाकिकी ललिता आगे कही लो ललिता मो मनर व्यथा टिके शुणु मो मनर व्यथा टिके शुणु कौन मनर व्यथा जड़ेची कहला का बान जाति जमुना जलपूरणाय काबा न जाति मथुरा दधिविक्रणांच काबा हरि कथा गुण नच कीर्तयंती राधा ललाट पटले कूलटापवाद। कहला किए न जाए जमुना जल भरवाकु किए न जाए मथुरा हाट को दधि बिकवाकु किए बा हरि कथा गुण कीर्तन न करे हेले ये राधार ललाट पटल रे सदा सर्वदा लेखाही अपवाद नागरा। से राधा पाणिनी मतरे आराधयति इति राधा आराधनार जो लावण्यमय मूर्ति जहाँ को आम श्लोक कहूचे तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी से होती से आह्लादिनी शक्तिर प्रकृति स्वरूप राधा। आउ से राधा को पुणी वर्णना करने को गला बेले हुए तो विदग्ध काव्यर नायक विदग्ध चिंतामणि कवि वर्णना करके अप्राकृत प्रेम मूर्ति जय राधा हरि अव्यक्त लीला को व्यक्त हुए ना करी आदि अनादि कारण निगुण सगुण आत्माराम सनातन ब्रह्मरे विलीन। ये से राधा पुणी से राधा को जदि चारवाक ज्ञान देखती चारवाक वर्णना करने को गला बेले कहती र विरोध मध्यस्थं राधा रधा राधा र शब्दर अर्थ होची ज्योति एक ज्योतिर्मय स्वरूप कृष्णंकर आराध्य कृष्णंकर आराध्य जो मामू भाणी भणजार संपर्क बा जो माई भणजार संपर्क
ସିଏ ସମ୍ପର୍କକୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ଗୋପର ଆହ୍ଲାଦିନୀ ଶକ୍ତି ରାଧାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏତେ କଥା। ପୁଣି ଇଏ ରାଧାଙ୍କୁ ବତେଇବାକୁ ଗଲାବେଳେ ଇଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଅପୂର୍ବ ଶକ୍ତି, ଇଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାଁ ଅନନ୍ତ, ଗୁଣ ଅନନ୍ତ। କହିଲେ ମନନ୍ତ ରୂପଶ୍ଚ ମନନ୍ତ ନାମ, ମନନ୍ତ ଭକ୍ତଶ୍ଚ ମନନ୍ତ ଧାମ। କିନ୍ତୁ ସବୁ ନାଁରେ ସବୁ ରୂପର ଲୀଳା ଅଛି, ଲୀଳାନ୍ତ ଅଛି। ହରି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ, ରାଧା ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ, ଇଏ ରୂପର ଲୀଳାନ୍ତ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଏହାର ଲୀଳା ଖେଳାର ପରିଭାଷା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଇଏ ହରି ଆଉ ରାଧା ଇଏ ଏମିତି ଏକ ଶବ୍ଦ, ସେହି ଶବ୍ଦକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ହୁଏତ ଉତ୍କଳୀୟ ପରମ୍ପରା ଭିତରେ ଆମେ ଆଜି ପାଳନ କରୁଥାଇ। ଏ ଦିନର ନାଁ ହେଉଛି ରାଧା ପାଦ ଦର୍ଶନ, ଆଉ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଅନତି ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ କ୍ଷେତ୍ର, ସାକ୍ଷୀଗୋପୀନାଥ କ୍ଷେତ୍ର। ଏ ଯେଉଁ ସାକ୍ଷୀଗୋପୀନାଥ ପ୍ରଭୁ, ଇଏ ବୃନ୍ଦାବନର ସେହି ରସରାଜ ରସିକେନ୍ଦ୍ର ମୂଳି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଦିନକର କାହାଣୀରେ ଗୋଟିଏ ସାକ୍ଷୀ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର କଥୋପକଥନରେ କନ୍ୟାଦାନର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ, ହୁଏତ ବଡ଼ ବିପ୍ର ସାନ ବିପ୍ର ବୋଲିକରି କୁହାଯାଏ, ଅତିସାର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଇଥିଲେ, କନ୍ୟାଦାନ କରିବେ ବୋଲିକରି କଥା ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କନ୍ୟାଦାନ କଲେ ନାହିଁ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ କନ୍ୟାଦାନ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି, ରାଜାଙ୍କର ଶରଣ ପଶିଥିଲା ସାନ ବିପ୍ର। ସେଦିନ ସେ ରସରାଜ ରସିକେନ୍ଦ୍ର ମୌଳି ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଆସିକରି ଏ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳରେ ରହିଗଲେ, ଭବ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଲା, ପ୍ରଭୁ ରହିଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁ ରାଧାପାଦ ଦର୍ଶନର କଥା କହୁଛୁ, ଇଏ ରାଧା ଆଉ ପୁରାଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ ରାଧା ଟିକେ ନିଆରା ନିଆରା। ପୁରାଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ ରାଧାର କଥା ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯେଉଁ ରାଧା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ଶୋଭମାନ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ପାଦ ଦର୍ଶନରେ ତଲ୍ଲୀନ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଓଡ଼ିଆର ପ୍ରାଣ, ସେ ରାଧାକୁ କାବ୍ୟିକ ଦର୍ଶନରେ କାବ୍ୟିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଭିତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲାବେଳେ ଅନେକ କବି ଅନେକ କଥା କହିଛନ୍ତି। ସେହି ଭାବରେ ସେ ରାଧା କଥା ଶ୍ରବଣ କଲାବେଳେ ରାଧା ପଚାରିଲେ କହରେ ମୁରାଲୀ, ରାଧା ପଚାରିଲେ କହରେ ମୁରାଲୀ, ମୋ ନାମ କହିକି ଗ ମୋ ନାମ କହିକି ଗ ଗୋପନ ଗରି ନଗରୀରେ ସୁନ୍ଦରୀ ପଣରେ ଏତେ ନାରୀ ଥାଉ ଥାଉ, ମୋ ନାମ କହିକି ଗରେ ମୁରାଲି, ମୋ ନାମ କହିକି ଗ ରାଧା ପଚାରିଲେ କହରେ ମୁରାଲି, ରାଧା ପଚାରିଲେ କହରେ ମୁରାଲି, ମୋ ନାମ କହିକି ଗ ମୋ ନାମ କହିକି। ସେଇ ଘଟଣା ଏଠି ଘଟିଛି, ସେଇ ମୁରଲି, ସେଇ ରାଧା, ସେଇ ବୃନ୍ଦାବନ, ଆଉ ସେଇ ବୃନ୍ଦାବନର ଯମୁନା କୁଳିନ କୃଷ୍ଣ, ସେଇ ବିରହର କଥା, ଆଉ ସେଇ ବିରହର ଗାଥା, ସେଇ ବିରହର କାହାଣୀ। କାହିଁକି ନା ବିରହ ନଥିଲେ ହୁଏତ ପ୍ରେମ ନାହିଁ, ଅମାବାସ୍ୟା ନଥିଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ନାହିଁ, ମୃତ୍ୟୁ ନଥିଲେ ଜନ୍ମର ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି ସୃଷ୍ଟିର ଗତି, ଆଉ ସେଇ ସୃଷ୍ଟିର ଗତି ଭିତରେ ସଦାସର୍ବଦା ପାଗଳିନୀ ସାଜିଛନ୍ତି ରାଧାମାନେ, ଆଉ ସେଇ ରାଧା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଘଟେଇଛି, ସହାନୁଭୂତି ଘଟେଇଛି, ସମତା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ବି ପାଇଛି, ଆଉ ସେଇ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନାର ପର୍ବ ହୁଏତ ଆମେ ଆଜି ପାଳନ କରୁଥାଇ। ଇଏ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରର ଅନତି ଦୂରରେ ଏ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳରେ ରାଧାପାଦ ଦର୍ଶନର କଥା। କ'ଣ ଇଏ ରାଧାପାଦ ଦର୍ଶନର କାହାଣୀ, ନା ଇଏ ରାଧାପାଦ ଦର୍ଶନ ଆଉ ଆଜିର ଦିନ ଅଁଳାର କାହାଣୀ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଅଁଳା ବୃକ୍ଷର କଥା ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରବଣ କରେଇଛୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମହାତ୍ମ୍ୟ ଭିତରେ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଉପାଖ୍ୟାନ। ହେ ମୋର ବିଦଗ୍ଧ ବିବୁଦ୍ଧ ଶ୍ରୋତୃମଣ୍ଡଳୀ, ଇଏ ଯେଉଁ ରାଧା ଇଏ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ରାଧା କେମିତିକା, ନା ଶୁଭ୍ରାଙ୍ଗୀ ଗଜଗାମିନୀ କମଳିନୀ ନୀଳାମ୍ବରାଛାଦିନୀ, ଇଏ ବର୍ଣ୍ଣାଢ୍ୟା ବରବର୍ଣ୍ଣନୀ ବହୁକଟି ବାଲ୍ୟା କୁରାଙ୍ଗକ୍ଷଣୀ, ଇଏ ପୁଣି କେମିତିକା, ନା ନିତ୍ୟ ସ୍ଫଳ ଭାସିନୀ ସମୁଜ୍ଜଳା ଯା ପ୍ରେମ କଲୋଳିନୀ,
कृपानंदकारी वराभय करी सापातु राशेश्वरी सापातु राशेश्वरी। ये भलिया राधा, ये भलिया राधा, या ना राधा हैनी पाखरे निकटरे अच्छी साक्षी गोपाल मंदिर निकटरे अच्छी कौन ना सेवक साही। आउ ये प्रभु जेतेबेले आसिकी एठी स्थित होइचंती बंधा पड़िचंती केवल गोटिए मूर्ति कृष्ण मूर्ति पाखरे नाहंती आल्लादिन शक्ति गोपर से आल्लादिन शक्ति से राधिका पाखरे नाही। सदा सर्वदा ये नयन खोजुची राधा 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 रे पागली निसाजुची। आउ सेई पागल भितरे सेवक साही रे बास करंतु जने सेवक ना होची मधुसूदन महापात्र बोलिकरि केते जन कहंती। मधुसूदन महापात्रंकर अपूर्व सुंदर लावण्यमयी कन्याटिए जन्म होइछि सौभाग्यरु कन्या प्राप्ति होइछि सकल जगत कहे पुत्रार्थे क्रियते भार्या बोलिकरि किंतु जो मानंकर कन्याजात हुंती से माने सौभाग्यरु कन्या प्राप्ति हुंती जमिति हिमालय राज पार्वती के पाइथिले। सेही भली भावरे मधुसूदन महापात्र पाइछंती कन्याटिए ना होछि लक्ष्मी चंद्र चंद्रकलार ह्रास वृद्धि परी बढ़ुची झीटी धीरे धीरे झीटी जितेबले बढ़ुची अष्टवर सात भवेते गौरी नववर सात रोहिणी दस वर्षे भवेते कन्या तत ऊर्ध्व रजस्वाला। एही भावरे कन्या बढ़ुची कन्याटी बढ़िला बेले प्रत्येक दिन बापांक सांगरे मंदिर को जाए बापा हुए तो सेवकर ज्ञान रे प्रभुंकर सेवा करूला बेले कन्याटी बसिकरी कौन करे ना तुलसीर माला गुंथे भारी तुलसी प्रिय ये प्रभु तुलसीर माला गुंथे फुलर माला गुंथे फुलर माला करिकरी बापा देकरी प्रभुंक बेकरे गळई दियंती अपलक नयन रे चाहि थाए। वर्ष पर वर्ष बीतला जो वर्षर ज्ञान देउथिली आठ वर्ष पर जतेबेले नौ वर्ष दस वर्ष रे कन्याटी पदार्पण कला दिने हुए तो ये कन्या चाहि देइछि प्रभुंकु चाहि देइछि प्रभुंकर से विरह नयन खोजुची गोटे विरहिणी राधिका को सही दिन प्रभु को जतेबेले चाहिछि प्रभु जतेबेले देखुचंती ये लक्ष्मीर मुखारविंद सहित प्रभुंकर मुखारविंद ये प्रभुंकर सबु पद्म ना मा कुंतियांकु स्तुति कला बेले कहिछि कला नमो पंकजना भाय नमो पंकज मालिने नमो पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रहे। सेही भावनार उच्चाट भीतर ये नलिनाक्ष आदि चाहिचंती मीनाक्षी को नलिनाक्षंकर से पद्म नयन ये मीनाक्षीर नयन सहित चतुर्चक्षुर मिलन घटिछि अप्राकृत प्रेम लीला अप्राकृत प्रेम लीला। मधुसूदन महापात्रंकर भक्ति रे प्रसन्न होइथिबा ये प्रभु मधुसूदन महापात्रंकर सेई कन्या सहित आरंभ करिछंती रासलीला रासरंगिणी साजिछि लक्ष्मी प्रभुंक पाखरे आउ सेई रासरंगिणी साजिथिला बेले जौवन प्राप्ता ये लक्ष्मी शरीर रे नवजौवनर भार खेळुछि उछाळ तरंग भितरे प्रभुंक सहित रासलीला हुए केबे केबे प्रभु वंशी छाड़ी आसंती केतेबेले बेले बेले पादर नुपुर छाड़ी आसंती केतेबेले से पाट पीताम्बरीर वसनर उत्तरीय खसी पड़े केतेबेले स्वर्ण कंठीमाळ खसी पड़े। सेवक माने हुए तो निजर चिराचरित परंपरा अनुसारे सामाजिक विधि विधान अनुसारे दोषी करंती मधुसूदन महापात्रंकु कहंती मधुसूदन महापात्र चोरी करिकरी नै जाउची प्रभुंकर गहना गांठी चोरी करिकरी नौची प्रभुंकर सुवर्णर वंशी कथा सही पारंतनी मधु महापात्रे मधु महापात्रे कथा सही पारंतनी न सही पारी सेतबलकार प्रथा अनुसार हुए तो बाल्य विवाह थिला बाल्य विवाह करै दबा पई बरपात्र टिए जोगाड़ करंती लक्ष्मी पई बरपात्र अनुसंधान करी बरपात्र पांती किछि बुझि पारेनी लक्ष्मी केवल भक्तिर भावरे बंधा पड़ी थाए आउ ये भक्तप्रिय माधवंक पाखरे मधुसूदन महापात्र भी आखि बुझिकरी लुह ढाळिकरी नेउछाळी हुंती प्रभु लोकनिंदा मु सही पारुनी लोकनिंदा मु सही पारुनी आपण पड़े भक्तप्रिय माधव काहेकि ना शास्त्र कहिछि व्याधस्य चरण ध्रुवस्य कावयो
विद्या गजेन्द्र सकाः का जाति विदुरस्य जादव पते उग्रस्य कि पौरुषम् कुब्जाया कि मरूप नाम अधिकम् किं तत् सुदाम्ना धन्यम् भक्त्या तुष्यन्ति केवल न च गुणैः भक्ति प्रिय माधव ये माधव भक्त प्रिय भक्ति प्रिय आउ सही भक्ति रे बंधा पड़ी जाई थी ये प्रभु प्रत्येक दिन सही रसरा रास रासेश्वरी का सहित तो अभिसार करती अर्धरात्रि आउ सही अभिसार रे प्रभु आसंती सही पादर नुपुर सही हस्तर वंशी पुणी बंधा पड़ी जाए से राधाराणी पाखे केते बड़े आउ से वंशी बधा पड़ा बेले से राधाराणी भावर उचाट भितर हुए तो काव्यिक चेतना केमी वंशीर कथा वर्णना करनेक कवि वर्णनार भाषा हो पाए से भावरे से वंशी सिना प्रभु पाखे रही जाए लक्ष्मी पाखे रही जाए हेले समाज सामाजिक निंदा भितर सदा सर्वदा ये लक्ष्मी की निंदुक सजाए आउदिन बाहाघर तिथि निर्घंट ठीक कर दिंती से ठीक सात दिन आउ अच्छी लक्ष्मी पित्रालय को त्याग करी ससुरालय को चली जिबे एमती व्याधि आसला एमती ज्वर आसला से ज्वर आउ व्याधि की कौन सी वैद्य से औषध दे आउ भल कर पारे से व्याधि से ज्वरग्रस्त शरीर को नहीं हुए तो यही तिथि आसीला यही तिथि आसी तिथि जो दिन हुए तो कन्या जीवा कथा ससुरालय को से दिन लक्ष्मी निजर प्राण त्याग करदेला मृत्युर कोल मृत्युता को आपणई नेला आउ से मृत्युर कोल लक्ष्मी शोला बेले सही पारे नी प्रभु भक्तर भक्ति एमती बंधा पड़े रसराज रिकेन्द्र बौली से दिन जाचिले जो कथा जयदेव तांक गीत गोविंद स्मर गर खंडन मम शिशी मंडन देही पद पल्लव मुदारम बोलिक उल्लेख करमी जा रश्मीर लक्ष्मीर पाद जुगल को धरिकी प्रभु आज आउसी दौंट आखिरु गड़ुचि धार धार लुह छिड़ा लक्ष्मी देखी पारुची प्रभुंकर से दिव्य चंदन रूप चंदन चर्चित नील कलेवर पीत वसन वनमाली केली चलन मणि कुंडल मंडित गंड जुग स्मित साली श्रीष्यति कामपी चुंबती कामपी कामपी रमयति रामा पश्यति सस्मित चारु पराम पराम अनुगच्छति वामा देखिकी लक्ष्मी हुए तो जीवन सयान भितर प्रतिपादित हो सारीला बेले से दिन से नश्वर शरीर सिना जाए ना किंतु शरीर मिसी आत्मा परमात्मा सहित आत सम्राट गजपति महाराज ठीक से ही दिन 760 माढ़ सुना अष्टधातुर विग्रह छिड़ा होती आज मध्य से मंदिर भितर से ही बेस ढड़ा होती प्रभु सहित राधाराणी आउ से राधाराणी होती लक्ष्मी अभिसारिणी अनति दूर लक्ष्मीर समाधि आज अच्छी आउ से दिन को आम आज पालन करुचु अँला नवमीर तिथि राधापाद दर्शनर तिथि कहीं सबुदिन माँ जो प्रकार लुगा पिंधती से लुगाटा को परिवर्तित कर दि जाए आज ओडियाणी बेसरे पिंधे दिखाई ओडियाणी बेसरे पिंधे देला बेले मार से पदजुगल आज समस्त दर्शन मान हो दृश्यमान हो सही पदजुगल को चाह चाह भक्त हुए तो अनेक भाव आनंदित मन मानसिकता को पूर्ति करी साधनार उचाट भितर भक्त कही आनंद मनरे ओडियाण भाषा ओडियात्वर कवि प्राण से हसी दे जुगल मूरती खसी पड़ थ श्रीअंगु फूल नवघन सिरे आहा कि रुचि हली जा मयूर चूल राशि राशि शोभा भासी आसुव कर निकेतन साक्षी गोपाल शोभा पाउंती सते कि से गुप्त वृंदावन आह्लादिनी राधा ओडियाणी रूप गौड़ुणी बेश छाड़ी से रास रसिक प्रेमर बणिक मुखे पान देले माड़ी सते जमी ए ओडियार जो प्रिय जिनस अच्छी नागबल्ली बा पान बोलिकी आम जहाँ को कहचु पान खिलटे धरी ओडियाणी राधा माँ मोर प्रभुंकर पाटी बा प्रभुंकर मुख अधर भितर से जो रंगा अधर पान खिलक माड़ी
आउ आह्लादिन शक्ति के पाखरे पाई आनंदित प्रभु आउ से रूपर आनंद भितर सते जमी स्तुति रे प्रभु देखा जाउछंती ब्रजे प्रसिद्धं नवनीत चौर गोपांगनानां दुकुलादि चौर अनेक जन्मार्जित पाप चौर चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि आउ ये कलिहत मानव भाव रे आमर अंतत स्तुति संसार कुपे पतितय गाधे विषयानुभुक्तं महान्न संभवं करांबलम्बं मम देहि विष्णु हे गोविंद दामोदर माधवेति हे गोविंद दामोदर माधवेति यही भावर उच्चाट भितरे ये होची ओडियाणी राधार कथा आउ ये राधापाद दर्शनर कथा से ही भावर भावना भितरे ये कार्तिक आपण मानंक पाई पुण्यमय हो आउ से पुण्यमय सकाळरे से कृष्ण राधा आपणंक जीवन रे जीवनत्व भरी दंतु से ही भावर उच्चाट रे आजिर कार्यक्रम को कृष्णार्पण मस्तु करुची ओम शांति ही शांति ही शांति।